उत्तराखंड के श्रीनगर में 18वीं राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 21 टीमें हिस्सा ले रही है। गढ़वाल DIG करण सिंह नग्याल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पौड़ी SSP श्वेता चौबे ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पिस्टल फायर को हाथ में लिया और आजमाया। दोनों अधिकारियों का निशाना अचूक रहा। इस दौरान गढ़वाल DIG करण सिंह नग्याल ने अपना जो है हुनर दिखाया और ओपन फायर रेंज की उन्हें कमी खली। उन्होंने SSP पौड़ी को फायरिंग रेंज के लिए भूमि तलाशने के निर्देश दिए। प्रतियोगिता में प्रदेश के 13 जनपदों की पुलिस, 6 PSC वाहिनी, ATS की एक टीम और GRP की एक टीम समेत कुल 21 टीमों के 200 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान गढ़वाल DIG करण सिंह नग्याल ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को हमेशा ही फायरिंग रेंज की कमी खलती है, जिसको देखते हुए SSP पौड़ी को निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। जैसा DIG रेंज सर का आदेश है, उसके क्रम में जो है पहले हम जगह चिन्हित कर लेंगे, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि फायरिंग रेंज होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस ओर जैसा DIG महोदय सर का निर्देश है, उस हिसाब से हम उस अनुरूप से कार्रवाई की जाएगी। ये जो है पुलिस का शस्त्र के साथ जो है सबसे पहला सबका पड़ता है और इसमें कुशल संचालन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पुलिस में वार्षिक अभ्यास का भी एक प्रचलन है, साथ ही उसमें जो बेस्ट फायरर है वो हमारे जो अंतर जनपदी और अंतर वाहिनी के एक बीच प्रतियोगिता कराई जाती है और इसी को हम नेशनल लेवल में भेजते हैं। तो उसी की प्रतियोगिता आज यहाँ पौड़ी जनपद में शुरू की गई है।